This one single mistake can ruin your CAT DLR score. Sir, what's that one mistake? See, मैं काफी स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो जब भी किसी DLR सेट या पजल को सॉल्व करते हैं तो पहले वो अपने लेवल पर ट्राई करते हैं, लेकिन जब 3-4 मिनट में उनसे वो सेट नहीं बनता है तो वो सोल्यूशन देख लेते हैं। अब यही हमारी अप्रोच खराब मिल जाती है हमें। देखो, DLR सेक्शन हमसे चाहता है कि हम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बने, लेकिन सोल्यूशन देखकर कभी भी कोई भी एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बना है। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए किसी भी सेट में। मान लो 30-40 मिनट ही क्यों ना लग जाए किसी भी सेट को सॉल्व करने में, बट वी मस्ट इन्वेस्ट दिस लेवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर सेट। जब हम किसी सेट को अच्छा टाइम देते हैं, जब हम हर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ सर, सेट कहीं ना कहीं डुएबल है। बट स्टिल अगर हमसे क्रैक नहीं होता है तो सोल्यूशन हम पक्का देख सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि सर पहले हम उसको अच्छे लेवल पर ट्राई करें। हमारी तरफ से 100% हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं सेट को समझने में, सेट को सॉल्व करने में। समझ पा रहे हो क्या? अदरवाइज आप चाहे 1000 सेट सॉल्व कर लो सॉल्यूशंस के साथ, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इट्स सिमिलर लाइक वॉचिंग द हाइलाइट्स ऑफ द क्रिकेट मैच एंड सेइंग कि सर ये वाला शॉट तो मुझे भी खेलना आता है। ऐसे पता नहीं लगता। जब हम मैदान में उतरते हैं, जब वो ऐसी बॉल आती है, उस समय हम शॉट खेल पा रहे नहीं खेल पा रहे, तब पता लगेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। सी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन किसी और को सॉल्व करते हुए देखना और खुद सॉल्व करना। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। जब आप किसी और को सॉल्व करते हुए देखते हो, चीजें बहुत आसान लगती है, बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलता है सारा गेम। लेकिन जब हम अकेले सॉल्व करते हैं, तब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करें आज से। जब भी आप नेक्स्ट सेट सॉल्व करें, अपनी तरफ से 100% दें, एंड देन अगर क्रैक नहीं होता है तो सोल्यूशन आपके लिए सोल्यूशन है। अदरवाइज इट इज द पॉइजन फॉर योर ग्रोथ।